बरेली में कक्षा एक की छात्रा को हेडमास्टर के थप्पड़ लगने से आंख से दिखाई देना बंद हो गया, जिसका परिजनों ने तमाम जगह इलाज कराया, परंतु डॉक्टरों ने आंख की रोशनी वापस आने की किसी भी कीमत पर जिम्मेदारी नहीं ली, जिसका पीड़ित के परिजनों ने मामला थाने में दर्ज कराया था, परंतु पुलिस ने अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। अब आरोपी लगातार परिजनों पर समझौते का दबाव बना रहा है। मामला है थाना फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम इस्तुया पट्टी का, जहां की रहने वाली रामो देवी पत्नी मनोहर लाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि गांव के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर बलबीर सिंह ने कक्षा एक में पढ़ने वाली उसकी 7 वर्षीय पुत्री गौरी की बाएं आंख पर थप्पड़ मार दिया था, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई है। काफी डॉक्टरों के पास इलाज के लिए भागे, परंतु डॉक्टर ने रोशनी आने से मना कर दिया है। इसका मामला थाने में दर्ज कराया गया, परंतु पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामो है। क्या मामला है बताओ? मेरी बेटी स्कूल जाती है सरकारी स्कूल में प्राइमरी में, तो बच्चे एक दूसरे की कॉपी फाड़ते हैं, तो जो सर के पास शिकायत करने गई, सर फोन पर बात कर रहा है, उन्होंने इसकी बात ना सुनी और थप्पड़ मार दो आँख पर, तो रोती भी घर आई, तो मैं गई शिकायत को, तो मुझे बोले हम तो अपनी टेंशन में है, मार दिया तो क्या होगा, दवा दिलवा देंगे। तो न फिर मैं ही अपने आप 33 रुपये 2-3 दिन दवाई लाई, ऐसी है नॉर्मल सूजन ठीक हो गई, थोड़े दिन बाद पता पड़े इसकी आँख की रोशनी चली गई। अब मैं गई तो कह रहा हूँ दुनिया भर बात और सुना रहा हूँ, उन थाने पर भी पैसा भर दो, मेरे थाने से भी कोई सुनवाई नहीं। सुतैया पट्टी थाना कौन सा लगता है? फतेहगंज पश्चिमी। स्कूल का नाम क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी स्कूल है? सरकारी? हाँ सरकारी। क्या नाम है मास्टर का? बलदीप सिंह। मास्टर है? हाँ मास्टर है, हेड मास्टर है। तो कौन सी क्लास में तुम्हारी बच्ची? एक क्लास में है, 7 वर्ष की उम्र है इसकी। एक नंबर एक पहले क्लास में? हाँ पहले क्लास में है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।